हेलो स्टूडेंट्स बेटे, आज की क्लास में हम ग्रामर का ही टॉपिक करने वाले हैं। हमने नाउन पढ़ लिया है, हम सीख चुके हैं नाउन क्या होता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न प्रोनाउन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच एंड दैट इज वर्ब। जैसा कि आप जैसे बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, वर्ब हमारा वो वर्ड होता है जो हमारे किसी भी एक्शन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, हंसना, रोना, गाना, सोना, नाचना, पढ़ना, लिखना, यानी कि जो भी एक्टिविटी हम करते हैं वो हमारा वर्ब कहलाता है। एक डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। यानी कि जिस वर्ड से हमें ये पता चले कि कोई एक्शन हो रहा है उसे हम वर्ब कहेंगे। और वर्ब को ही हम दो और नाम से भी जानते हैं, एक है डूइंग वर्ड और है एक्शन वर्ड। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन दिया जाता है, फाइंड आउट द एक्शन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि जो सेंटेंस दिए गए हैं उनमें आपको एक्शन वर्ड फाइंड आउट करना है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है वर्ब क्या है, तो आपको इसीलिए वर्ब फाइंड आउट करना है उसमें। तो इसको डूइंग वर्ड और एक्शन वर्ड भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्विम, स्लीप, ईट, गो, ड्रिंक एट्सेट्रा, है ना, जो भी बताया मैंने, नाचना, स्विमिंग करना, गाना, हंसना, रोना, ये सारे सब आपके क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। अब वर्ब मेनली दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स। एक तो होते हैं हेल्पिंग वर्ब और एक होते हैं मेन वर्ब्स। जब हम एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे दो होते हैं, मोडल्स भी होते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स भी। मोडल्स सबको पता होगा, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ऑट टू, यूज टू, ये सारे सब आपके मोडल्स होते हैं। यहाँ पे मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी, किसी सेंटेंस में मॉडल जब हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे, हम पहले सीख लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स आपकी होती हैं इज, एम, आर, वाज, वर। मैंने यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया है, वाज, वर, हैड, हैव, हैड, will, shall, did, be, do, ये सब आपकी auxiliary verbs हैं। यानी कि modals और auxiliary verb आपकी क्या होती है, helping verb। ये हमेशा कब आती हैं, subject के बाद, subject के बाद आती हैं। अब दूसरा है आपकी main verbs। main verb आपकी mainly बेटा ये होती हैं आपकी action verb, ठीक है, action word इसे कहते हैं हम। doing word, action word आपकी main verbs होती हैं जो हमारा एक्शन डिनोट करती हैं। गो, वेंट, गोन, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन, आपने सुना होगा। तो ये जो हमारी जैसे बहुत सारी हैं ऐसे, जैसे ईट, एट, ईटन, है ना, तो ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड। बहुत सारी वर्ब्स हैं, कितने सारे एक्शंस हैं, कितनी सारी एक्टिविटीज हैं, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब्स होती हैं। तो अभी हमने सीखा वर्ब क्या होता है, है ना, कोई भी एक्टिविटी हम जो करते हैं दैट इज वर्ब, जो भी काम हम कर रहे हैं वो वर्ब, और वर्ब को ही हम एक्शन वर्ड बोलते हैं और डूइंग वर्ड बोलते हैं। वो जो जिसको आप एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड बोलते हैं वो आपकी मेन वर्ब होती है, और एक आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब जो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगी होती है, जिससे हमें पता चल रहा है कि हमारे सब्जेक्ट की क्या पोजीशन है। सब्जेक्ट कोई काम जो कर रहा है जिसका हमें मेन वर्ब से पता चलेगा वो कब कर रहा है, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा। एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हम एक सेंटेंस लिखते हैं, सीता इज ईटिंग, यहाँ सीता क्या है, सॉरी, शी, शी एक प्रोनाउन है, शी की जगह सीता भी हो सकता है ना,
श्री की जगह क्या हो सकता है, सीता हो सकता है, एक नाउन है, और सीता की जगह अगर जो हम श्री लिखेंगे तो प्रोनाउन हो जाएगा, तो लेकिन ये आपका है क्या सब्जेक्ट। अब इस यहां पे आ गई आपकी हेल्पिंग वर्ब जो कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है, और ईट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो ईटिंग आपकी क्या है मेन वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? तो एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे एक्ट करते हैं, पहले आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब और फिर आएगा आपका मेन वर्ब। आई होप सबको क्लियर है वर्ब क्या होते हैं। छोटा सा टॉपिक है अभी के लिए लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम नाउन सीख चुके हैं, प्रोनाउन सीख चुके हैं, वर्ब सीख चुके हैं, यानी कि अब हम एक सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो सीख सकते हैं, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम सीख सकते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस। थैंक यू।